गुड मॉर्निंग माई लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ और आ भी गई हूँ मॉर्निंग वॉक करके, घर आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। ये है तरोई, मैं तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये देखिए छील दी है मैंने, काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको छीलते छीलते। और घर में हो रही है सफाई। अमरूद काफ़ी अब कम हो चुके हैं, सिर्फ 4 अमरूद निकले हैं। और ये जो अभी नए अमरूद आए हैं ना, इतने मीठे हैं ना, ये तो रेड ही हैं बट काफ़ी मीठे हैं ये, और कच्चा था और मेरे को कच्चे ही पसंद हैं। ये रूम की खिड़की के बाहर अपने आप से तुलसा जी का पौधा लग गया था। नेक्स्ट हो चुका है फ्रेंड, शिव जी के मंदिर के दर्शन करके आ गई हूँ, पूजा भी कर ली है। अब आई हूँ हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। आप भी दर्शन कीजिए और जय श्री राम बोलिए। काफ़ी सुहावना मौसम हो रहा था सुबह का, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये शिव जी का मंदिर और ये है मंदिर से व्यू हमारे इधर पूरे मोहल्ले का, काफ़ी सुंदर व्यू है। पहाड़, काफ़ी मकान हो गए हैं अब तो। चलिए परिक्रमा कर लेते हैं अब। ये येलो फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, कनेर के हैं ये, ये अलग तरीके का कनेर है। चलिए अब घर चलते हैं। अब ये ट्यूशन भी पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को, ये सारे बच्चे जा रहे हैं अब अपने घर। मैं जा रही हूँ नेबर को अमरूद देने के लिए। ये था उनका घर, देखिए बारिश होने लगी है। घर आई तो देखिए बारिश होने लगी है और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई है अभी। ये लोग बारिश रुक गई थी तो मैं और मेरी फ्रेंड आई थी सुपरमार्केट, लेकिन जब हम बाहर आए तो देखा काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो थोड़ी देर हम लोग यहीं पर रुक गए। फिर से नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, और मैं ये 2-3 दिन का एक साथ व्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये देखिए सारे अमरूद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, सब हमने खा भी लिए हैं, बांट भी दिए हैं, और प्रसाद के लिए भी डेली जाता था यहीं से। और देखिए सब कच्चे हैं अभी, ये नए आ रहे हैं, मतलब ये जो पेड़ है इस पर 12 ही महीने फल आता है और काफ़ी टेस्टी अमरूद होते हैं। देखिए सारे कच्चे हैं। इस वाले पेड़ पर तो एक भी अमरूद नहीं मिला। पीछे गार्डन में आ गई हूँ, यहाँ पर दो पके हुए हैं अमरूद, एक कच्चा है पर मैंने दोनों ही तोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे कच्चे ही पसंद हैं, ज़्यादा पक जाते तो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो दोनों तोड़ लेती हूँ। ये देखिए ये कच्चा ही है, लेकिन इस पेड़ के अमरूद भी काफ़ी मीठे हैं और मैंने तोड़ ली है दोनों अमरूद। और पीछे काफ़ी ग्रीनरी हो चुकी है, और मैं पीछे का ये गार्डन आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। दो कल्पवृक्ष हैं, अमरूद का पेड़ है और ये चंपा का है। अब शाम का वक्त हो चुका है फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऊपर वाली छत पर, ऊपर वाली छत पर, सबसे ऊपर वाली छत पर। और मैं आई हूँ बेल पत्ते तोड़ने, यानी कि बेल का जो पौधा है उसका पत्ते तोड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि कल रुद्राभिषेक है तो उसके लिए अभी से ही पत्ते तोड़ के रखने पड़ेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। और इस बेल पत्र का जो ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो छत पे इसके पत्ते तोड़ने में आसानी हो रही थी। और ये देखिए इतने सारे फल लगे हुए हैं ना इस पर, और अभी कच्चे हैं ये, और ये बहुत ही गुणकारी होता है हमारे शरीर के लिए। इसका लोग जूस भी बना के पीते हैं और पक जाने पर इसको वैसे भी खा सकते हैं। अभी कच्चे हैं, थोड़े दिन में ये पक जाएंगे तो हम भी इसका जूस वगैरह बना के पीते हैं। ये देखिए काफ़ी मात्रा में ये पेड़ बड़ा भी हो चुका है, फल भी काफ़ी लग रहे हैं इस पर। चलिए अब नीचे चलते हैं, उसके पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ सबसे ऊपर वाली छत से। ये था सबसे ऊपर वाली छत से व्यू, ये पहाड़, और उसके ऊपर भी देखिए मकान बने हुए हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और ये देखिए सब तरफ पहाड़ है। हाँ ये देखो शेरू घूम रहा है, शेरू। और दिया बत्ती हो चुकी है फ्रेंड्स। हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, पंडित जी भी आ गए हैं अर्ली मॉर्निंग, मैंने सुबह ही रखवाया था, मुहूर्त भी सुबह का ही निकला था। तो
अब रुद्राभिषेक हो चुका है, आरती हो रही है। अब सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो आरती का समय भी हो चुका था, तो आरती हो रही है और सभी लोग आए थे, काफ़ी लोग आ गए थे। बहुत ही सुंदर रुद्राभिषेक हुआ और काफ़ी अच्छा लगा अभिषेक करके। इसको सूंघ लें, इसको पानी को सूंघ लो। दिया हुआ पानी वापस फेंकना नहीं चाहता। ये थे शिवलिंग और ये पूरा अभिषेक होने के बाद का है, ये माता जी पार्वती मैया। आ गई हूँ, पेपर पढ़ रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ। देखिए हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है, बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।